पर्यटकों संजोग छेत्री 26 जून 1982 को सिक्किम के बुमतार में जन्म हुआ। छेत्री ने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। छेत्री 19 साल की उम्र में ही सेना में शामिल हो गए थे। 31 मार्च 2001 को उन्हें स्पेशल फोर्सेस के लिए चुना गया और वो 9 पैरा एसएफ में शामिल हुए। 22 अप्रैल 2003 को उन्होंने अपने ऑपरेशन सर्प विनाश के तहत जम्मू कश्मीर के हिल काका में आतंकवादी ठिकाने पर ऑपरेशन को अंजाम देने में 20 कमांडोज की एक टीम का नेतृत्व किया। आतंकवादी ठिकाने के पास पहुंचे और तभी आतंकवादियों की पोस्ट से भारी फायरिंग होने लगी। पायलटों छेत्री ने अपने साथी सैनिकों के लिए खतरे को भांपते हुए फौज की बुरी तरह रेंगने के बाद पहाड़ी ठिकानों पर हमला किया और दो आतंकवादी मार गिराए। लेकिन ऐसा करने में उन्हें भी काफी गोलियां लगी और बेहद खून बहने की वजह से वो बेहोश हो गए। और जब आतंकियों को लगा कि मर गए और उनके करीब आए तो छेत्री ने अपने चाकू निकाला और उस चाकू से आतंकी को फूंक फूंक करके मार डाला, जिसे देखकर आतंकी डर गए और छेत्री के साथियों ने जोर भर गया और सभी आतंकवादियों को उन लोगों ने मार गिराया। लेकिन छेत्री अपनी फोटो के कारण शहीद हो गए। पर्यटक संजोग छेत्री को उनके वीरता से भरे कार्य के लिए शांति काल के सबसे बड़े सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया।